के चंदौली से है, जहां किसान मंच के 8वें स्थापना दिवस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कृषि बिल के खिलाफ सभी किसानों को एकजुट होकर आंदोलन में सहयोग करने का अनुरोध किया। दरअसल पूरा मामला शहाबगंज विकास खंड के भटिया गांव का है, जहां शुक्रवार को मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों किसानों को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली का लाल किला तो सरकार का है ही नहीं, 2 वर्ष पहले ही लाल किले को सरकार ने प्राइवेट कंपनी को बेच दिया है। हर वर्ष लाल किला पर झंडा फहराने के लिए सरकार किराया देती है। उद्देश्य तो यह है कि भाई इनकी फसलों का रेट मिले, जो 3 कानून भारत सरकार ने बनाए हैं वे वापसी हो, MSP पे कानून बने, दूध का जो एग्रीमेंट कर रहे हो कैंसिल हो, बिजली वाले हैं, सीड वाले हैं, बहुत मुद्दे हैं। इसके लिए यहाँ पर आए, किसान जागरूक हो और अपने हकों की लड़ाई के लिए तैयार रहे किसान। अलग अलग राज्य में जा रहे हैं? हाँ, अलग अलग राज्य में, कल बिहार में थे, उससे पहले बंगाल में थे, मध्य प्रदेश में है, सब जगह जा रहे हैं। बिहार में क्या पाया? बिहार तो खत्म हो गया पूरा, बिहार कुछ खत्म हो गया, यही हाल 3-4 साल में यहाँ पूरे देश का यही हाल होगा, बिहार बन जाएगा पूरा देश। काशी में एक नया फ्रंट खोलने की बात? हाँ, फ्रंट खोल दिया, प्रधानमंत्री का घर है, प्रधानमंत्री तो यहीं के गंगा पुत्र हैं, वे तो यहीं फ्रंट खुल जाएगा, कहाँ दिल्ली ढूंढने की जरूरत है यहाँ के लोगों को, क्योंकि डीजल का भी ट्रैक्टर लेकर अपना काशी में चल जाएंगे, नया फ्रंट खुल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कह ही दिया कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो हमें तो बढ़िया मंडी काशी की लगी, वहाँ बिक जाएगा। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि MSP थी है और रहेगी, तो उसी रेट पर बिक जाएगा, प्रधानमंत्री को झूठ तो बोलने वाले नहीं। आगे आंदोलन क्या रणनीति? रणनीति रहेगी, आंदोलन चलेगा, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करती, कानून वापसी नहीं लेती, MSP पे गारंटीड कानून नहीं बनाती, ये आंदोलन जारी रहेगा। चंदौली से मिथिलेश सिंह की रिपोर्ट।